तो गाइस बैठे बैठे भाई का मैं फोटोज वगैरह देख रहा था। भाई देखो वाला होता ना भाई, हाईवे आजकल सेफ नहीं भाई, बहुत डेंजर हाईवे हो गया आजकल, क्योंकि उससे से डर लगता है। राइड करने से दिक्कत नहीं है, जाने को जा सकते हैं, लेकिन आजकल का हाईवे है वो बहुत खराब हो गया है। अच्छे अच्छे बाइकर्स का डेथ हो जा रहा है, तो हम लोग भाई हम लोग साइकिलिस्ट है, साइकिलिस्ट को तो और ज्यादा ट्रक वाले ध्यान नहीं देते। तो गाइस अगर आप लोग लॉन्ग राइड वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल पे कमेंट करो, आपके लिए एक बार रिस्क लेंगे, मतलब लॉन्ग राइड करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो स्वागत करता हूँ आपको एक और नई वीडियो में। फिलहाल आ चुके हैं सुबह सुबह राइड करने के लिए, और हमारे एक भाई आया है आप उनसे मिलने के लिए, प्लस एक ये भी एक राइडर है। हेलो, क्या नाम है आपका? कौशिक नंदी। कौशिक नंदी, तो भाई के पास साइकिल की बात करो तो है हीरो स्प्रिंट की, कौन सी मॉडल है ये? स्प्रिंट है 27.5 इंच। तो भाई का मैं इंस्टा चेक किया था, भाई लंबा लंबा राइड कर रखा है इससे पहले। कहाँ कहाँ राइड की हो ये बता दो आप। बागेश्वर गया था, केदारनाथ। केदारनाथ बोल रही हो? और उसके बाद गया था अयोध्या, जमशेदपुर, अयोध्या। अच्छा, गया था सिक्किम। सिक्किम, अरे भाई साहब 12 दिन पहले, ये तो प्रो प्लेयर निकला भाई। मतलब साइकिल से भाई अच्छा लगा सुन करके, हमारे कोई लोकल बंदे, मतलब मेरे घर से 9 किलोमीटर भाई का घर है, और ये भाई इतना लंबा लंबा राइड कर चुका है। मेरा भी इच्छा था, लेकिन भाई ये कोई साथ देने वाला रहना तो राइड करने में बनता है आप। तो भाई अगर ऐसा प्लान बनेगा तो जरूर राइड करेंगे। फिलहाल भाई आज हमसे मिलने के लिए आया, तो भाई को अपना एरिया घुमाते हैं और ब्लॉग करते हैं मस्त मस्त। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग में आपका काफी ज्यादा मजा आएगा, तो वीडियो में एंड तक जरूर बनी रहेगा। तो फाइनली गाइस आ चुके अपने गोप्रो सेटअप पे। भाई सबसे लंबा राइड आपका कौन सा रहा है? केदारनाथ। केदारनाथ, और सबसे डिफिकल्ट राइड कौन सा रहा है? डिफिकल्ट केदारनाथ। केदारनाथ, पहाड़ों में जाने का मेरे का बड़ा शौक है, पता है। मेरा देखिए, आपका थिंकिंग है कि हम चला के जाएंगे, अब मेरा थिंकिंग ये है कि हम बस में लोड करके जाएंगे, जगह का एक्सप्लोर करेंगे, मेरा थिंकिंग ये है। लेकिन अगर इंशाल्लाह मौका रहा तो चला के भी जाएंगे आपके साथ। तो भाई को दिखाते पहली वीली। भाई तो मेरा वीडियोज में वीली देखा है, लेकिन ऐसे वीली देखा नहीं है। तो चेक करो गाइस अपनी ब्लॉग की पहली वीली। तो अपना साइकिल में थोड़ा बहुत काम खोज रहा था, तो थोड़ा बहुत काम करवा दिए, क्योंकि ये साइकिल लेकर जाने वाले हैं गांव, तो इसलिए फुल सर्विस नहीं करवा पाए साइकिल को, अभी थोड़ा बहुत ही काम करवाती है, जो जो मेन इंपॉर्टेंट काम था। टायर वगैरह वहां से आ करके चेंज करेंगे, ये उल्टा काम कर रहा हूं मैं। टायर वगैरह मेरे को चेंज करके जाना चाहिए था, लेकिन मैं अब आ करके ही चेंज करूँगा, क्योंकि इसका जो रिम है ना, रिम टेढ़ा हो चुका है, पूरा फ्रेम से टच होने वाला है। अगर टायर लगा दूंगा थोड़ा सा मोटा ना, तो फ्रेम से पूरा टच होगा, साइकिल चलेगा नहीं। इस वजह से मैं यही टायर रहने दे रहा हूँ, आकर के फुल सर्विस करवाएंगे इसको। ए! ये हमेशा पीछे पड़ता है मेरा, हमेशा। ये आज का बात नहीं है, इस पीछे पीछे जाएंगे, पीछे पीछे आएगा। तो गाइस कौन बोलता है यार 6 बजे सुबह नहीं होता, भाई 6 बजे धूप निकला हुआ है, यहाँ पे गर्मी लग रहा है हम लोग आज। क्या अंकल, ओ छोटा मछली, बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, अभी पकड़ के ला रहे क्या? तला में छोड़िएगा। अच्छा अच्छा, तो गाइस इधर से हम लोग जा रहे हैं घाघरबुड़ी मंदिर, वहाँ पे चाय फेमस मिलता है, तो चाय पीने के लिए जा रहे हैं हम लोग। 27.5 है ना आपका साइकिल? सही सही है। लॉन्ग राइड में 27, 29 ये सब बढ़िया है, 26 से हालत खराब हो जाएगा लॉन्ग राइड करने में। भाई तो बहुत ज़्यादा टान लगता है, लगता है ना कि आसनसोल में जाते हैं ये साइकिल लेकर के, लगता है कितना दूर चले गए। लेकिन 27 साइज वाला जो अपना साइकिल मॉनिटर है उसको लेके जाते हैं, तो मेरे को उतना फील नहीं होता है कि इतना दूर राइड किए। अगर ये एलॉय फ्रेम होता ना, और आपके एलॉय फ्रेम होता तो आपको और मजा आता। खाली खाली से रोड भाई साहब, क्या हाईवे खाली है भाई। अरे भाई ब्रेक इतना हार्ड कर लिया ना कि जब ब्रेक पे टैप हो रहा है ना, टायर रखा जा रहा है नीचे। पिछले बार जब काम कर रहे मैकेनिक बहुत ज़्यादा ब्रेक टाइट करते हैं, मतलब मेरे हिसाब का ब्रेक अभी सेट नहीं है। मेरे को चाहिए होता है ब्रेक ना कि लास्ट तक लीवर दबाऊं, लास्ट में ब्रेक वर्क करे, ये है थोड़ा सा दबा रहा हूँ उतनी में वर्क कर रहा है ब्रेक, उस वजह से मेरे को दिक्कत हो रहा है। तो ये है यहाँ का घाघरबुड़ी मंदिर भाई। कल लग रहा है कुछ यहाँ प्रोग्राम वगैरह था, काफ़ी ज़्यादा भीड़ था भाई यहाँ आज, पता नहीं क्यों तो सांटा लग रहा है, चक्कर फेंका हुआ है। बंद ना हो, बंद ना हो, बंद है भाई, लग रहा कुछ था कल मेला का, भारी मेला, भारी मेला ना, इसलिए लग रहा सब सोया हुआ है, दुकान बंद करके सारा ना। चाय तो अभी नहीं, एक दिन का कोई खास मेला है? कोई खास मेला है, साल में एक बार लगता है, वही कल था। हाँ। अरे वाह।
तो गाइज यहाँ पे मस्त एक पेड़ है ऊपर में देख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। भाई यहाँ तो स्पेशली आया था चाय पीने के लिए, लेकिन भाई कोई कल भारी मेला था जिसकी वजह से जो 5000 लोग कमाता था वो 30000 कल कमा के चला गया, जिसकी वजह से भाई अभी सबका दुकान बंद है, सब रेस्ट ले रहा है, तो चाय तो पी नहीं पाएंगे। भाई का साइकिल एक बार चेक करो क्या लुक बना कर रखा है। भाई का सीट में कुछ प्रॉब्लम हो गया, सीट हाथ में लेके घूम रहा भाई। और केदारनाथ कितना किलोमीटर था यहाँ से? लगभग 1500 आसनसोल से 1500 किलोमीटर। कितना दिन में हुआ था आपका राइड? हो गया था मतलब 20-22 दिन में पहुँच गया था। 20-22 दिन भाई, मैं उस टाइप का ब्लॉगर नहीं हूँ भाई जो पर्ड का एक्सप्लोर करूँ, मेरे से ना हो पाएगा। मेरे से बस ये हो पाएगा कि 2 दिन का टाइम है केदारनाथ एक्सप्लोर। मतलब यहाँ से साइकिल लोड करके ले जाओ और वहाँ उतारो मेन लोकेशन पे, मेन लोकेशन पे एक्सप्लोर करो फिर आ जाओ। हाईवे आजकल सेफ नहीं भाई, बहुत डेंजर हाईवे हो गया आजकल, क्योंकि उससे से डर लगता है। राइड करने से दिक्कत नहीं है, जाने को जा सकते हैं, लेकिन आजकल का हाईवे है वो बहुत खराब हो गया है। अच्छे अच्छे बाइकर्स का डेथ हो जा रहा है, तो हम लोग भाई साइकिलिस्ट है, साइकिलिस्ट को तो और ज़्यादा ट्रक वाले ध्यान नहीं देते हैं। तो गाइस बैठे बैठे भाई का मैं फोटोज़ वगैरह देख रहा था, भाई देखो भाई ऐसे ऐसे जगह पहाड़ों में कैंपिंग वगैरह करता है भाई साइकिल के साथ। मतलब इतना छोटा टेंट में सो जाते हो आप? नहीं ये 2% टेंट है, मतलब लगेज वगैरह 2% है, फोटो में छोटा लग रहा है। यही साइकिल से भाई इतना राइड हुआ है, और टायर का कंडीशन देखो भाई ऐसा है अभी तक, अगर हम लोग इतना लंबा राइड करें तो टायर का कंडीशन इससे भी खराब हो जाएगा जैसे हम लोग का। तो गाइस हम लोग का अलग ही सीन है, मतलब जहाँ तहाँ ऑफ रोडिंग मिल गया था ड्रिफ्ट मारना चालू करते थे, ये नहीं देखते हैं कि टायर खराब होगा या रिम टाल होगा, हम लोग नहीं देखते हैं। भाई लोग संभाल संभाल चलाता है कि भाई अभी 120 किलोमीटर और जाना है, हम लोग का गुजारा नहीं है लॉन्ग राइड में, समझ में आ रहा है। हम लोग जो बंदे लोग अगर लेके चल गया मैं पहाड़ों में, तो लोग तो ऐसा ना कूद जाएगा पहाड़ से ही। वीडियो देखो ना लोग कैसा कैसा करता है, तो हम लोग जब क्रेजी लेवल हो जाते हैं, हम लोग को थोड़ा सा खराब रास्ता मिले पूरा क्रेजी हो जाते हैं हम लोग। तो फाइनली गाइस इधर से हम लोग निकल गए हगरबुड़ी से, अभी इधर ही जा रहे हैं, भाई को नए रास्ते से लेके जाएंगे, भाई को आधा दूर छोड़ देंगे। भाई अभी लॉन्ग राइड का टिप्स वगैरह शेयर कर रहा था, भाई बोल रहा है मतलब हम लोग सुबह 5 बजे उठते हैं और राइड करते हैं, मतलब 10-12 बजे तक हार्डली जितना डिस्टेंस कवर करना है कर लेता है, उसके बाद से भाई फिर मतलब 5 किलोमीटर राइड फिर रेस्ट, 5 किलोमीटर राइड फिर रेस्ट, मतलब इतना ज़्यादा धूप हो जाता है ना साइकिलिंग करना मुश्किल हो जाता है। तो मतलब लॉन्ग राइड ऐसे ही होता है भाई, सुबह सुबह उठ जाओ और जब तक धूप पूरा तेज़ नहीं होता तब तक जितना आपको कवर करना है कर लो। और आ चुका है ख़राब रास्ता, ऐसे अगर ब्रेक मारे तो टायर तो चलने वाला है नहीं हम लोग का। पहाड़ों में जाने का बहुत शौक है मेरे को साइकिल से, एक साथ भाई साहब एक साथ मतलब समझ रहे हो ना। सिलीगुड़ी कितना था किलोमीटर? 450। 3 दिन में निकल जाएगा, 3 दिन में पहुंच जाएंगे हम लोग। खाली खाली से रोड मिल गया भगा, और क्या खाली है, मतलब ढला हुआ है अभी, फिर चढ़ाई मिलेगा आगे 27 से, भाई वो आगे ज़्यादा भागेगा, मेरा तो उतना नहीं भागेगा। ये टर्न अरे भाई साहब काटा ऐसे के झाड़ी में चल गया उधर। बोले कौशिक भाई किधर रह गए, ऐसे के झाड़ी में है। अरे भाई साहब असर आ रहा साथ में रहने का। भाई इतना दूर से मेरे से मिलने आया है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि भाई को अच्छा खासा दूर तक पहुंचा दूं, ताकि भाई को फिर अकेला अकेला फील ना हो जाने में। बॉटल होल्डर अच्छा लग रहा है आपका? गिर जाता है। गिर जाता है ना, जो खूबसूरत चीज़ें अक्सर अच्छा नहीं होता है ना। मेरा ब्लैक वाला ये सही है, गिर जाता है मतलब थोड़ा लूज हुआ ना। हाँ, इस पर मैं बॉटल रख के व्हीली स्टॉपी बनी हॉप सब मार देता हूँ। जहाँ जहाँ पेड़ आ रहा है ना भाई, बड़ा राहत महसूस हो रहा है, क्योंकि अभी सुबह के 7:08 हो रहे हैं, लेकिन भाई सूरज देखो एकदम पूरा पीक पे है। मेरा ब्रेक इतना हार्ड कर दिया ना कि व्हील ही नहीं हो रहा है, मतलब टैप कर तुरंत चक्कर रखा जा रहा है। ये हुआ थोड़ा लंबा व्हील, बहुत देर बाद ब्रेक एकदम हार्ड हो गया भाई। तो गाइज ये हमारे घर के पास का ग्राउंड, इसमें ग्राउंड नहीं जाना है, हम लोग चलना है इसमें, इसको हम लोग बोलते हैं जंगल मार्ट। अच्छा लगता है यहाँ, फोटो वगैरह बहुत अच्छा आता है। ये है सस्ता ऑफ रोडिंग, ये चेक करो गाइस। अरे भाई ये हुआ ना लोकेशन, नहीं चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा।
तो गाइज हम लोग आ चुके इधर जंगल में, इधर कौशिक भाई भी थोड़ा रेस्ट कर रहे, इधर हवा वगैरह चल रहा है, हम लोग दोनों पसीना पसीना हो चुके हैं पूरा बढ़िया। यहाँ पे थोड़ा हवा वगैरह चल रहा है, आगे जंगल में ये जंगल में ऑफ रोडिंग करने के लिए एक बार लॉन्ग राइड करेंगे आपके साथ, एक बार चलेंगे। हालत खराब होगा लेकिन एक बार करेंगे जरूर। पारसनाथ हिल चलो, पारसनाथ हिल मैं बाइक से गया हूँ, बहुत ही अच्छा लोकेशन पे, और कम से कम 11 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई है भाई, रोड बना हुआ है, ऊपर तक जाना पड़ेगा साइकिल लेके, साइकिल आराम से। अरे भाई 11 किलोमीटर चढ़ाई है, हम लोग बाइक से गए थे ना, तो बाइक चला रहे पहुंच तो गया, उधर से आते वक्त गाड़ी बंद कर दी, ढलाते उतर, लेकिन भाई बहुत लंबा लगता है बाइक से उतरने चढ़ने में, बहुत टाइम लगे, तो भाई ये तो साइकिल हालत खराब हो जाएगा। लेकिन भाई एक बात है, ऊपर मंदिर है, ऊपर जब पहाड़ पे जाते हैं बहुत ठंडा लगता है, ऊपर मंदिर के ऊपर फंस जाए ना, बहुत ठंडा चलता है, ठंडा ठंडा काफी ऊंचाई पे चला जाएगा इस यहाँ से। तो अच्छा लगा भाई के साथ राइड करके, भाई तो पूरा लॉन्ग राइड के लिए मेरे को मोटिवेट कर दिया है, तो लॉन्ग राइड भी करेंगे एक बढ़िया सा। तो ठीक है, सेफली घर जाना, घर पहुंच के एक मैसेज मेरे को कर देना कि पहुंच गए, ठीक है। मतलब ना कहीं कहीं पे पेड़ आ रहा था, एकदम ठंडा हवा लग रहा है, एकदम ठंडा लगने लग रहा है, और कहीं कहीं पे इतना गर्मी लग रहा है कि क्या ही बताए। यहाँ पे चलता है टेकर, और टेकर में आता है ज़्यादातर सब्जी, आसनसोल लोग जाते हैं यहाँ से सारा माल लाने के लिए। देखो ट्रेकर आ रहा है, और देखो बोनट पे यहाँ तक सामान रखा हुआ, बोनट पे सामने का, और कितना लोड है ये देखो, ये चेक करो भाई, भाई फुल टू लोड एकदम, जीरो से लेकर 100 तक पूरा भरा हुआ है गाड़ी। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके अपने घर के पास, उम्मीद करता हूँ आज का छोटा सा राइड वीडियो आपका काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। आज तो चाय, भाई चाय तो मिला ही नहीं हम लोगों को, चाय तो पिए नहीं रास्ते में, कहीं भी चाय तो का दुकान नहीं मिला हम लोगों को, फिर मतलब सब अभी सुबह सुबह चूल्हा ही जला रहा था, तो हम लोग चाय कहीं पिए नहीं। भाई भी बोला कि ठीक है हम निकलते घर, मैं भी निकल गया घर के लिए, क्योंकि सुबह सुबह भाई अब मेरे को जरूरत है नहाने का, उसके बाद कुछ खाऊंगा, क्योंकि भूख भी बहुत जोर का लग गया है, क्योंकि साइकिलिंग करने से भूख बहुत जोर का लग जाता है हम लोगों को। उम्मीद करता हूँ आज का छोटा सा राइड वीडियो और ब्लॉग वीडियो का काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो गाइज अगर आप लोग लॉन्ग राइड वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल पे कमेंट करो, आपके लिए एक बार रिक्स लेंगे, मतलब लॉन्ग राइड करेंगे। तो मिलते हैं गाइज ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू ऑल, बाय।